बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये जुमेरात जैसे बाबरकत दिन का अमल है जिसको इस्लामी कैलेंडर में एक ख़ास हैसियत हासिल है। और जो अमल मैं आज के दिन बताऊंगी, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर, इस वजीफ़े की तासीर आपको फौरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जुमेरात का दिन चूँकि ऐसा बाबरकत है कि इस दिन तमाम इंसानों के आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में पेश किए जाते हैं और फरिश्ते ये बताते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के ये आमाल हैं। तो जब इंसान के आमाल आप सल्लम के सामने पेश किए जाते हैं तो ये ज़ाहिर हो जाता है कि कौन इंसान आप अल्लाह और आप सल्लम का अतात गुजार है और कौन ग़ुलाम है और कौन ऐसा है जो अतात गुजार नहीं है। इसलिए जुमेरात के दिन अहले अरब और अकाबिर ओलिया सब रोज़ा रखते आए हैं और रखते हैं, क्योंकि वो चाहते थे या चाहते हैं कि जब हमारे माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों तो हम रोज़े से हों। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन जोहर की नमाज के बाद जो भी ये वजीफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में और मखलूक की नज़र में बहुत इज़्ज़त वाला और महबूब बन जाएगा। अमल जो है वो बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद कोशिश करें कि वहीं बैठे बैठे आपने या ज़ल जलाली वल इकराम 300 बार पढ़ना है, यानी 300 टाइम्स या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। इस अमल का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत इज़्ज़त और महबूबियत मिलेगी और मखलूक की नज़र में भी आप बहुत बाइज़्ज़त बन जाएंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक पूरा हफ्ता आपको वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाएंगे जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतात गुजार बनने के लिए लाजमी है। और इन अमाल के करने से आप ऑटोमेटिकली अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको इज़्ज़त, रिज़्क और दौलत जो है वो मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आप पर इज़्ज़त, रिज़्क और दौलत की बारिश करते रहेंगे, फरमाते रहेंगे, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो शेयर करने के रिसोर्सेज हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैप वीडियो है और भी जो रिसोर्सेज हैं, इन सब पर वीडियोस को शेयर कर दिया करें। किसी इंसान का कोई मसला हल हो सकता है और वो अमल मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।